भारत में बहुत सारे गांव हैं और इसीलिए इसे गांव का देश भी कहते हैं। लेकिन इस बदलते दौर में, इस औद्योगिक क्रांति के युग में, यहाँ शहरों का विकास भी तेजी से हुआ है। तो एक तरफ जहाँ हम देख सकते हैं लहलहाते हरे भरे खेतों से युक्त गांव, तो दूसरी तरफ तेज रफ्तार से भागती हुई गाड़ियों वाले शहर। बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक माई इंग्लिश रीडर से जो पोयम, एक ये लेसन है जो कि पोयम है, लेकर आए हैं, उसका नाम है टाउन एंड कंट्री। देखिए, आप देख रहे हैं टाउन एंड कंट्री। टाउन एंड कंट्री एक पोयम है। बच्चों, आप जानते होंगे टाउन का मतलब होता है शहर और कंट्री का मतलब होता है गांव। वैसे तो आपने सुना होगा कि कंट्री का मतलब होता है देश, लेकिन यहाँ इस पोयम में कंट्री का मतलब है, इसका तात्पर्य है गांव। तो इस पोयम के माध्यम से वे बच्चे जो शहर में रहते हैं, जिन्होंने कभी गांव नहीं देखे, वे बच्चे गांव के बारे में कुछ जान पाएंगे। उन्हें पता चलेगा कि गांव कैसे होते हैं, और वे बच्चे जो गांव में रहते हैं, जिन्होंने कभी शहर नहीं देखे, उसकी लाइफस्टाइल के बारे में कुछ नहीं जानते, वे जान पाएंगे कि शहर के लोग कैसे रहते हैं, शहर कैसा होता है। और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने गांव भी देखे होंगे, शहर भी देखा होगा, तो वो बच्चे गांव और शहर दोनों के बारे में कुछ ज्यादा जान पाएंगे, है ना। तो हम लोग शुरू करें, लेट्स स्टार्ट। पहले हम लोग ऐसा करते हैं, ये पोयम पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्या नाम है आपके पोयम का? टाउन एंड कंट्री। तो चलिए शुरू करें। टाउन एंड कंट्री। टाउन यानी शहर और कंट्री यानी गांव। द टाउन चाइल्ड सेज माय होम इज इन द बिजी टाउन वेयर पीपल वॉक ऑल डे। द मोटर्स रश अलोंग द स्ट्रीट। There is no room to play. But there's a park where after school we jump and shout and run. And though it's small and crowded, we have a lot of fun. Now let's see what our country child says. The country child says, my home is in a village small, with wheat fields all around. My father works from morn till eve, tilling the dusty ground. But when the fierce sun sets at last, we sit beneath a tree. The old man talks. The young man sing, how happy then are we. देखिए आपने पोयम जी। आपने पोयम देखी है, आपने सुनी, आपको समझ में आई कुछ जी। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसमें से हमने आपके लिए कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स फाइंड आउट किए हैं, ढूंढे हैं, निकाले हैं, जो हमें लगते थे कि आपको थोड़ी डिफिकल्टी हुई। कुछ वर्ड्स हैं ना, जैसे बिजी टाउन, रश, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो आपको शायद समझ में नहीं आए होंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, हम उन वर्ड्स को जानेंगे, उसका अर्थ समझेंगे, वो उसका क्या मतलब होता है, ठीक है, करें हम लोग। चलिए चलिए हम लोग कुछ वर्ड्स की मीनिंग जानते हैं। ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, बिजी टाउन। बिजी टाउन में व्यस्त शहर, व्यस्त शहर जहां पे बहुत भीड़ भाड़ होती है वो कहलाते हैं व्यस्त शहर। और नेक्स्ट रश, रश में भागना, दौड़ना। नेक्स्ट रूम, रूम में स्थान, कमरा। रूम में कमरा भी होता है, कमरा होता है, आप जानते ही हो, लेकिन कई जगह पे रूम का मतलब स्थान या प्लेस से भी हम लोग लगाते हैं, ओके। देन शाउट, शाउट में शोर मचाना, चिल्लाना, शोर गुल करते हैं ना बच्चे, शोर गुल करते हैं, शाउट करते हैं। क्राउडेड, क्राउडेड में भीड़ भाड़ वाला। स्ट्रीट, स्ट्रीट में सड़क, रोड। टिलिंग, टिलिंग में खेत जोतना, हाँ, टिलिंग में खेत जोतना। डस्टी, डस्टी में धूल से भरा हुआ, धूल नहीं, धूल से भरा हुआ, डस्टी। अगर डस्ट होता तो हम कहते हैं धूल, और डस्टी है इसलिए धूल से भरा हुआ। फियर्स, फियर्स में तेज, तपता हुआ। फियर्स यहाँ पे ना सन के लिए यूज हुआ था, समर्स में सन कितना तेज हो जाता है, गर्मी लगती है। नेक्स्ट सेट, सेट में अस्त होता है, सूरज छिपता है ना, अस्त होता है ना, डूबता है, कहाँ पे छिपता है, वेस्ट, वेस्ट में, वेस्ट में, पश्चिम में, ठीक है। नेक्स्ट
बीनीथ, बीनीथ में नीचे, नीचे। पीपल, पीपल में लोग, लोग ये रहा ना लोग। मोटर, गाड़ियां, मोटर्स में गाड़ियां। अच्छा ये बताइए अगर ये मोटर्स ना होता, मोटर होता तो गाड़ी, गाड़ी। मोटर्स क्या होता, मोटर्स प्लूरल होते हैं, इसका मोटर का प्लूरल है मोटर्स। ओके दो, दो हालांकि फन, फन में मजा करना, मस्ती करना, एंजॉय करना। देन वीट फील्ड्स, वीट फील्ड्स में गेहूं के खेत, वीट में गेहूं, फील्ड्स में खेत। नेक्स्ट मॉर्न, मॉर्न में सुबह, सुबह प्रातः। आप मॉर्निंग बोलते हैं ना, मॉर्निंग, मॉर्निंग का यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में यूज किया गया है मॉर्न। और उसी तरह यूज किया गया ईव, इवनिंग, इवनिंग यानी शाम। अब चलिए हम ऐसा करते हैं, हम इस पोएम का एक्सप्लेनेशन, इसका जो भावार्थ है, ये पोएम में क्या कहा गया है वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें क्या 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 कहा जा रहा है, इसमें टाउन चाइल्ड क्या कह रहा है, इसमें कंट्री चाइल्ड क्या कह रहा है। लेकिन उससे पहले हम ऐसा करते हैं, एक गेम, छोटा सा गेम खेलते हैं। वो क्या है, ऐसा करेंगे ना कि आप दो लोग हो, इसमें दो बच्चे हैं, एक टाउन चाइल्ड है, एक कंट्री चाइल्ड है। तो आप में से एक बन जाओ टाउन चाइल्ड, एक बन जाओ कंट्री चाइल्ड। कौन बनेगा, आप टाउन चाइल्ड बनेंगे, आप कंट्री चाइल्ड, ठीक है। अब चलिए टाउन चाइल्ड आप पढ़िए जरा। द टाउन चाइल्ड सेज माय होम इज इन द बिजी टाउन। आप इतने पॉजेस दे रहे हैं, तो पॉजेस नहीं होंगे। जैसे देखिए, माय होम इज इन अ बिजी टाउन, माय होम इज इन अ बिजी टाउन, गुड, वेयर पीपल वर्क ऑल डे, राइट। यहाँ पे डे पे देखिए, यहाँ पे आपको थोड़ा सा पॉज देना है, ठीक है, हाइफन है। द मोटर्स रश अलोंग द स्ट्रीट, रश्ड नहीं है, रश। द मोटर्स रश अलोंग द स्ट्रीट, द मोटर्स रश अलोंग द स्ट्रीट, There is no room to play. Good. But there's a park. But there's a park. Park पे pause देंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे comma है. जो आपका park है, यहाँ पे park पे comma है. तो हम ये देखिए, ये एक comma है. Apply किया गया है. ये देखिए. But there's a park. हाँ पढ़िए. But there's a park. Where after school we jump and shout and run. Okay. And though it's small and crowded, we have a lot of fun. Okay. My home is in a busy town. Mera ghar ek vyast shahar mein hai. Where people work all day. Jahan pe log din bhar kaam karte hain. Theek hai? Jo shahar ka bachcha wo keh raha hai ki mera ghar ek vyast shahar mein hai, jahan pe log din bhar kaam karte hain. The motors rush along the street. जो मोटर्स हैं, जो गाड़ियां हैं, वो स्ट्रीट्स पे यानी रोड पे, सड़क पे दौड़ती रहती हैं। There is no room to play. वहां पे खेलने के लिए कोई स्थान नहीं है। ये देखिए, देख रहे हैं यहाँ पे, ये आप जो शहर, ये शहर का एक आपको देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये बस और ये साइकिल सब भाग रही है, रश कर रही है रोड्स के ऊपर। यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, कोई प्लेस नहीं है कि बच्चे यहाँ पे खेले, क्योंकि अगर यहाँ पे खेलेंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है, है ना। नेक्स्ट, But there is a park. ये देखिए, शहर में क्या है, जगह तो नहीं है खेलने के लिए, लेकिन वहां पे एक पार्क है। Let's see. This is a park. है ना? जी. तो शहर का बच्चा कहता है But there is a park. Park मतलब एक पार्क है, वहां पे एक मैदान है वहां पे। Where after school we jump and shout and run. जहां हम स्कूल के बाद, जब स्कूल से पढ़ के आ जाते हैं, वहां पे जंप, देखो ये स्कीपिंग कर रहे हैं ना, रस्सी कूद रही है, वहां पे हम खेलते हैं, क्या करते हैं, जंप करते हैं, कूदते हैं। जंप में कूदना, शाउट, शाउट में चिल्लाना, शोर मचाना। वैसे तो चिल्लाना का नहीं कहेंगे, बच्चे खुश होते हैं ना जब खेलते, तो खुश होते हैं, तो खुश होते तो एक्साइटमेंट में वो किलकारियां बढ़ते हैं, है ना। तो उसको इन्होंने कहा शाउट एंड रन, और क्या करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं। एंड दो स्मॉल एंड क्राउडेड, हालांकि वो जो पार्क है वो छोटा है, और वहां भी क्राउड्स हैं, वहां पे भी भीड़ है, वहां पे लोगों से भरा हुआ है। वी हैव अ लॉट ऑफ फन, फिर भी हम क्या करते हैं, हालांकि वो छोटा और क्राउडेड है, हम वहां पे फिर भी बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत मजे करते हैं, बहुत मस्ती करते हैं। फन मीन मजा करना, मस्ती करना। ओके अब हम देखेंगे कि द कंट्री चाइल्ड सेज, एक कंट्री चाइल्ड का बच्चे भी तो कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है। आप कंट्री चाइल्ड थे, मुझे पढ़िए।
द कंट्री चाइल्ड सेज माय होम इज इन ए विलेज स्मॉल. आप बहुत ऐसे जो बोलो ना, इसको इतने पॉजेस नहीं देते, पॉज में रुकना है ना. तो आप कह रहे हो माय होम इज इन अ विलेज स्मॉल, इस तरीके से नहीं, माय होम इज इन अ विलेज स्मॉल. माय होम इज इन अ विलेज स्मॉल विद हीट फील्स ऑल अराउंड. हीट नहीं, हीट नहीं, हीट में क्या होता है, हीट में गर्म है ना. दिस इज व्हीट फील्ड्स, व्हीट में गेहूं, गेहूं की रोटी खाई होगी आपने, तो दिस इज व्हीट फील्ड्स. पढ़िए, विद व्हीट फील्ड्स ऑल अराउंड माय फादर वर्क्स फ्रॉम मॉर्न टू ईव, टू नहीं है, टिल, टिल माय टिलिंग द डस्टी ग्राउंड बट व्हेन द फील्ड्स, टिलिंग द डस्टी ग्राउंड, यहाँ पे क्या हो गया, फुल स्टॉप हो गया, तो आपको यहाँ पे थोड़ी देर रुकना पड़ेगा. ठीक है, बट व्हेन द फील्ड्स सनसेट एट लास्ट We sit beneath a street. Street नहीं है ये. Trees. ना trees भी नहीं है. Trees नहीं है यहाँ पे. Tree है. और tree और trees में क्या difference आप बताओगे? जी. Tree एक पेड़. Okay हाँ. और trees मतलब ढेर सारे पेड़. ठीक है. तो but when the fierce sun sets at last, we sit beneath a tree. The old man talk, the young man sing. How happy then are we? हाँ. The old man talk, the young man say. How happy then are we? तो अब country child का कहता है, गांव का जो बच्चा है वो कहता है कि my home is in a village small. मेरा जो घर है, मेरा जो घर है वो एक छोटे से गांव में है. With wheat fields all around, जिसके चारों ओर गेहूं के खेत हैं. My father works from morn till eve. मेरे पिताजी जो हैं वो सुबह से शाम तक, मॉर्निंग से इवनिंग तक काम करते हैं. टिलिंग द डस्टी ग्राउंड, जो डस्टी धूल से भरी हुई जो मैदान है उसको जोतते हैं. बट व्हेन द फियर्स सन सेट्स एट लास्ट, अरे हमने आपको चित्र नहीं दिखाया, हम आपको चित्र दिखा सकते हैं. ये देखिए, टिलिंग द डस्टी ग्राउंड हमने बताया. ये देखिए, ये जो गांव के बच्चे का फादर है, देखिए ये क्या कर रहा है, खेत जोत रहा है. He is tilling the dusty ground. देख रहे हैं आप? जी. ठीक है. But when the fierce sun sets at last, लेकिन जब सूरज छिप जाता है, अस्त हो जाता है, तब क्या होता है? We sit beneath a tree. हम एक पेड़ के नीचे बैठते हैं. देखिए बैठे हुए ना, देख रहे हैं आप पिक्चर में, देखिए ये पेड़ है जी. और ये लोग बैठे हुए हैं. The old man talk, the young man sing. जो बूढ़े लोग, जो बुजुर्ग लोग हैं, दादाजी नानाजी, वो लोग क्या करते हैं, बातें करते हैं. और जो यंग मैन, नौजवान है, बच्चे कह लो आप, तो वो क्या करते हैं, वो गाना गाते हैं, सिंग में गाना गाना. हाउ हैप्पी देन आर वी, तब हम कितने खुश होते हैं, मतलब क्या, हम उस वक्त बहुत खुश होते हैं. देखो वैसे तो हम ऐसे इस्तेमाल नहीं करते हैं कि वी बाद में किया, यहाँ पे वी क्यों बाद में किया, आपको बता दें, राइम के लिए. हाँ वेरी गुड, राइम के लिए. देखिए ट्री के साथ वी मिल रहा ना, इसलिए ये राइम के लिए इन्होंने हाउ हैप्पी देन आर वी कर दिया. ठीक है, तो देखिए ये बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, खुश हो रहे हैं ना, कितने खुश हैं वो पेड़ के नीचे बैठ के. तो ये रही आपकी पोयम. अच्छा आप बताइए, इसमें कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया हो, कोई ऐसा वर्ड, कोई डिफिकल्ट वर्ड रहा हो जो आपको नहीं समझ में आया हो? नहीं, नहीं समझ में आया. क्या नहीं समझ में आया? देयर इज नो रूम टू प्ले. देयर इज नो रूम टू प्ले, वहां पे, कहां पे, जहां पे बहुत व्यस्त है, वहां पे, जहां पे जो शहर है वहां पे क्योंकि जगह है नहीं है. क्यों? क्योंकि वहां पे तो चारों ओर स्ट्रीट्स पे गाड़ियां दौड़ती रहती हैं, तो वहां पे कोई प्लेस नहीं है. रूम का मतलब क्या, प्लेस, स्थान नहीं है. ठीक, समझ में आ गया, खेलने के लिए कोई स्थान नहीं है. और बताइए, और समझ में आया सब? आ गया समझ में. अच्छा तो आप हमें बताइए ग्राउंड में क्या होता है. ग्राउंड मतलब गार्डन. नहीं, ग्राउंड का मतलब मैदान. तो मैदान आपको नहीं समझ में आया था, मैंने आपको बता दिया. तो ये थी आपकी पोयम टाउन एंड कंट्री. तो आज हमने क्या किया, आज हमने इस कविता को पढ़ा, इसके डिफिकल्ट वर्ड्स की मीनिंग जानी और जाना इस कविता का भावार्थ.